ओम गणेशाय नमः। 28 मार्च दिन सोमवार को पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा और इसका पारण अगले दिन 29 मार्च को किया जाएगा। 6:15 से लेकर 8:43 तक पारण का समय है। पाप मोचनी एकादशी का अर्थ है कि पापों को नष्ट करने वाली एकादशी। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। पाप मोचनी एकादशी के दिन किसी की निंदा झूठ बोलने से बचना चाहिए। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चोरी, मदिरा पान, अहिंसा और भ्रूणघात समेत अनेक घोर पापों से, पापों के दोष से मुक्ति प्राप्त होती है। पाप मोचनी एकादशी व्रत की पूजन विधि। एकादशी के दिन सूर्योदय काल में स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प करें। इसके बाद भगवान विष्णु का षोडशोपचार विधि से पूजन करें और पूजन के उपरांत भगवान को धूप, दीप, चंदन और फल आदि अर्पित करके उनकी आरती करनी चाहिए। इस दिन किसी भिक्षुक या जरूरतमंद व्यक्ति और ब्राह्मणों को दान और भोजन अवश्य कराना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी पर रात्रि में निराहार रहकर जागरण करना चाहिए और अगले दिन द्वादशी पर पारण के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। मान्यता है कि इस व्रत को करने से पापों का नाश होता है और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। एकादशी तिथि को जागरण करने से कई गुना फल प्राप्त होता है और पुण्य भी बहुत बढ़ता है। इसकी पौराणिक कथा इस प्रकार है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पुरातन काल में चतुरथ नाम का एक सुंदर वन था। उस जंगल में चैवन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि तपस्या करते थे। इसी वन में देवराज इंद्र, गंधर्व कन्याएं, अप्सराएं और देवताओं के साथ विचरण करने आते थे। मेधावी ऋषि शिव भक्त और अप्सराएं शिवद्रोही कामदेव की अनुचरी थीं। एक समय कामदेव ने मेधावी ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। अपने नृत्य, गान और सौंदर्य से मेधावी ऋषि का ध्यान उन्होंने भंग कर दिया। वही मुनि मेधावी भी मंजू घोषा पर मोहित हो गए। इसके बाद दोनों ने अनेक वर्ष साथ में व्यतीत किए। एक दिन जब मंजू घोषा ने जाने के लिए अनुमति मांगी तो मेधावी ऋषि ने अपनी भूल और तपस्या भंग होने का आत्मज्ञान हुआ। इसके बाद क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचनी होने का श्राप दिया। इसके बाद अप्सरा ने ऋषि के पैरों में गिर पड़ी और श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा। मंजू घोषा के अनेकों बार विनती करने पर मेधावी ऋषि ने उन्हें पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने का उपाय बतलाया और कहा कि इस व्रत को करने से तुम्हारे पापों का नाश हो जाएगा व तुम पुनः अपने पूर्व रूप को प्राप्त होगी। अप्सरा को मुक्ति का मार्ग बताकर मेधावी ऋषि अपने पिता के महर्षि च्यवन के पास पहुँचे। श्राप की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने कहा कि पुत्र, यह तुमने अच्छा नहीं किया। ऐसा कर तुमने भी पाप कमाया है, इसीलिए तुम भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो। इस प्रकार पाप मोचनी एकादशी का व्रत करके अप्सरा, मंजू घोषा ने श्राप से और मेधावी ऋषि ने भी पाप से मुक्ति प्राप्त की। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।